Hi friends, I am Baljeet Kaur, motivational speaker, and I thank Fizz Robotics for giving me this opportunity to talk about a topic that is very interesting for me, as well as I think you will even find it interesting, and that is holistic well-being. What is holistic well-being? Holistic well-being is our approach towards life. How do we look life? How do we take life? इसको कैसे लेते हैं? ये टॉपिक है और उसके सारे एस्पेक्ट्स हम इसमें कवर करेंगे. एंड व्हाट आर दोज एस्पेक्ट्स? लेट मी टेल यू. द फर्स्ट वन इज द फिजिकल हेल्थ, द फिजिकल वेलबींग. दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान दें. और हम इसके लिए क्या करते हैं? वी डू एक्सरसाइज, वी गिव प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड फूड टू अवर बॉडी, दैट इज ईट हेल्दी, राइट? कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, अच्छी मात्रा में पानी ले. हैव अ गुड डोज ऑफ सनलाइट. यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सनलाइट. अदर थिंग इज बी इन द कंपनी ऑफ नेचर. थोड़ा टाइम जरूर प्लांट्स के साथ बिताएं, अपने पेट, डॉग, फिश, कैट, वट एवर यू हैव, बिकॉज दे एनहांस योर फिजिकल बॉडी, दे गिव यू रिलैक्सेशन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिकल वेलबींग, फिजिकल हेल्थ हमारे लिए बहुत जरूरी है. और एक चीज मैं और आप सबको कहना चाहूंगी कि ब्लाइंडली फॉलो ना करें. अगर कोई आपको कहता है कि आप जुम्बा करें या जिम जाएं या वॉक करें, आप डिसाइड करें कि आपके लिए क्या ठीक है. क्या आप जुम्बा करना चाहते हैं, या क्या आप डांस करना चाहते हैं, क्या आप जिम जाना पसंद करेंगे? तो अपने हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना एक्सरसाइज प्लान चुने, राइट? डोंट ब्लाइंडली फॉलो पीपल. आस्क योरसेल्फ व्हाट यू वुड लाइक टू डू. अदर थिंग इज मेंटल वेलबींग. सिर्फ फिजिकली फिट रहना ठीक नहीं है, हमारे लिए मेंटली हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी है. एंड इन दिस टाइम ऑफ पैंडमिक मेंटल हेल्थ इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. तो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज ये सारे एस्पेक्ट्स इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. अगर एक चीज भी ऑफ बैलेंस जाती है तो बाकी हर चीज पर इफेक्ट पड़ता है. तो इस चीज का ध्यान रखे दोस्तों. मेंटल हेल्थ के लिए अपग्रेड योर स्किल्स, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखें, कुछ ना कुछ नया जरूर करें. हेल्प योर ब्रेन टू रीवायर, राइट? इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ एवरी डे हैविंग अ कप ऑफ टी, ट्राई हैविंग अ कप ऑफ कॉफी समडे. अगर आप लेफ्ट साइड पर सोते हैं बेड के, ट्राई स्लीपिंग एट द राइट साइड ऑफ द बेड. एक हाथ बार चेंज करें, अनकंफर्टेबल होगा. और किसने कहा है कि चेंजेस हमेशा कंफर्टेबल होते हैं? बट ये अनकंफर्टेबल होना आपको ग्रोथ में हेल्प करेगा. आपको ये छोटी छोटी जीत जब आप हासिल करेंगे तो आप मेंटली स्ट्रांग बनेंगे. दीज थिंग्स लुक वेरी सिंपल, बट इनका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ता है जीवन पर. तो प्लीज मेडिटेट भी जरूर करें अपने मेंटल हेल्थ के लिए. और अगर कभी जरूरी लगे, इफ यू फील, प्लीज फील फ्री टू आस्क फॉर हेल्प. डोंट हेजिटेट, शर्माए नहीं. अगर हमको चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? तो तब तो हम ये नहीं कहते कि ये तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है. अगर आपको मेंटली अगर कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज सीक अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट और व्होमसोएवर यू कैन टॉक टू. तो ये आपको हेल्प करेंगे. कितनी बार हम मदद मांगना ही नहीं चाहते, तो ये गलत है. अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें. इट इज ओके अगर आप इम्परफेक्ट हैं, इट इज ओके अगर कोई चीज आप पूरी नहीं कर पा रहे. बी इजी ऑन योर सेल्फ प्लीज. द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स अप फॉर मी इज इमोशनल हेल्थ. हमारा इमोशनल वेलबींग भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम अगर अपने इमोशंस को बॉटल अप कर लेंगे, भर के अंदर रखेंगे, तो कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा ना. और जब निकलेगा तो वो गलत जगह पर निकलेगा. तो पहले अपने इमोशंस को पहचानिए,
लेबल करे, आइडेंटिफाई योर इमोशंस. आर यू हैप्पी? आर यू सैड? आर यू फियरफुल? आर यू डिसअपॉइंटेड? वॉट इज इट दैट इज ट्रबलिंग यू? ये जानिए, लेबल इट, मेक अ जर्नल, टेक अ बुक एंड पेन, पेन डाउन ऑल योर इमोशंस. राइट, आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्यों एंग्री हैं, क्या चीज आपको ट्रिगर कर रही है, आपने आज गलत क्या किया, आपने कैसे रिएक्ट किया, और स्टेप लिखिए कि आप अगली बार कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे. क्योंकि कितनी बार अगर हमारे इमोशंस ऑफ बैलेंस होते हैं, उनका भी कारण इंटर रिलेटेड हो सकता है फिजिकल डेफिशिएंसीज की वजह से. तो ये सब इंटरकनेक्टेड है. आप सिर्फ एक एस्पेक्ट को लेके हेल्दी नहीं हो सकते, इसलिए हमें होलिस्टिक अप्रोच लेनी है, हर एस्पेक्ट को इंक्लूड करना है अपनी लाइफ में. तो इमोशंस को आप इम्पोर्टेंस दे, उन्हें प्रॉपरली लेबल करें एंड गो अहेड विद इट. Write it down. Surround yourself with positive people. Surround yourself with people, those who like you, love you, motivate you. क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी positive feel करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है. And please, थोड़ा सा अपनी emotional health के लिए social media से भी आप break ले सकते हैं. Give yourself time and permission to stay away. टू डीटॉक्सिफाई, टू डी क्लटर अपनी सराउंडिंग्स को, अपने इमोशंस को डी क्लटर करें, फ्लश आउट कर दे सारे नेगेटिव इमोशंस जो भी आपके मन में चल रहे हैं. दैट आई वुड लाइक टू कम अप इज स्पिरिचुअल वेलबींग. ये स्पिरिचुअल वेलबींग क्या होता है? हर इंसान को एक एम्प्टीनेस लगता है अंदर, एक खालीपन लगता है, एक अकेलापन लगता है. तो जब हम सेल्फलेस होते हैं, अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो हमें बेटर फील होता है. कुछ ग्रेटर कॉज, कुछ ग्रेटर पर्पस के लिए काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है. तो वो हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है कि आप किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी चैरिटी के लिए कंट्रीब्यूट करें, पेट्स के लिए कंट्रीब्यूट करें, कुछ सोशल कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करें. जो भी कैपेसिटी में आप कर सकते हैं वो कैपेसिटी में काम करें, मनी वाइज, या आप किसी बच्चे को एजुकेट करना चाहते हैं, अपना टाइम देके मदद करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करके मदद करना चाहते हैं, जिस भी कैपेसिटी में आप मदद करना चाहते हैं उस कैपेसिटी में मदद कीजिए. एंड ट्रस्ट मी, यू विल रियली फील गुड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पिरिचुअल हेल्थ, फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. कनेक्ट विद द यूनिवर्स. जब आप मेडिटेट करते हैं, क्योंकि प्रेयर हम बोल के निकल जाते हैं, जो भी आया 2 मिनट भगवान के सामने खड़े हुए, प्रेयर बोली और चले गए. बट मेडिटेशन दो तरफा कम्युनिकेशन है कि जहां आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं, आप जिसको भी यूनिवर्सल एनर्जी मानते हैं उस पर ध्यान लगाते हैं और उनकी वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं. इट टेक्स प्रैक्टिस. थोड़ी देर आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा, मन भटकेगा, बट विद प्रैक्टिस यू विल डेफिनेटली लर्न ऑल दैट विच इज इम्पॉर्टेंट. तो स्पिरिचुअल हेल्थ होना भी बहुत जरूरी है. नेक्स्ट दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट इज योर एनर्जेटिक हेल्थ. हाँ, एक एनर्जेटिक वेलबींग भी होता है. और वो क्या होता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अगर किसी कमरे में लड़ाई हो रही हो या आर्ग्यूमेंट हो रहा हो और अचानक आप वहां पहुंचते हैं, तो उस कमरे का ऑरा आपको बता देता है कि यहां कुछ हुआ था शायद, या अभी अभी लड़ाई हुई थी. जब आप किसी हंसते खेलते कमरे में पहुंचते हैं तो वो कमरे की एनर्जी आपको बता देती है कि यहाँ एटमॉस्फेयर लाइट था, यहाँ कुछ हंसी मजाक चल रहा था. तो एक एनर्जी और एक ऑरा होता है पर्सन का. तो अगर आप अपनी एनर्जी अच्छी रखना चाहते हैं तो आपको अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को अच्छा रखना पड़ेगा, प्योर रखना पड़ेगा. कीप योरसेल्फ सेंटर्ड, कीप योरसेल्फ काम, कीप योरसेल्फ हैप्पी. ट्राई थिंग्स दैट मेक यू पीसफुल एंड क्रिएट अ वंडरफुल वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर एवरीबडी एल्स. क्योंकि हमारा इंटरनल जो भी इमोशंस है वही हमारी एक्सटर्नल दुनिया में, हमारी रियलिटी, हमारा वर्ल्ड वैसा ही बनेगा.
जैसा हम सोचते हैं हमें बाहर वैसा ही दिखता है, और जो बाहर दिख रहा है वो हमारे इंटरनल कैओस की वजह से है। तो अपने आप को बैलेंस्ड रखें, डिफरेंट स्टेप्स उठाएं इस चीज के लिए। फिजिकली डीक्लटर करें, कमरे को साफ करें, कुछ रंग ऐड करें अपने कमरे में जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, कुछ फ्रेश प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स लगाएं, छोटा सा एक फिश एक्वेरियम आप रख सकते हैं जो आपके रूम में पॉजिटिविटी दे, राइट? मेडिटेशनल साउंड सुन सकते हैं। नॉर्मल अगर आप किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं कोई भी चीज का, बिफोर चूजिंग एनीथिंग कंसल्ट योर डॉक्टर, बट यू कैन हैव अल्टरनेटिव थेरेपीज ऑल्सो, जैसे मंडला हीलिंग है, साउंड हीलिंग है, एक्सेस कॉन्शियसनेस एक हीलिंग मोडालिटी है। तो देर आर डिफरेंट मोडालिटीज जो अल्टरनेटिव थेरेपीज जो आपको हेल्प करेंगी। तो ये कोई बेटर नहीं बता सकता आपके अलावा कि आपकी होलिस्टिक कंप्लीट वेलबींग, कंप्लीट हेल्थ के लिए क्या जरूरी है। और सबसे ज्यादा आपको सेल्फ लव जरूरी है। प्लीज लव योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज बाकी दुनिया भी हमें जज कर रही है और हम भी अपने आप को जज कर रहे हैं। टाइम्स चेंज हो रहे हैं, इट इज ओके। टुडे आई एम एबल टू सिट एट माय होम एंड टॉक टू यू ऑल, एंड इट इज ग्लैड दैट आई एम एबल टू डू दैट। आई एम इन ग्रैटिट्यूड, शुक्राने में रहें, क्योंकि जैसा हम देखते हैं, अगर हम वो चीजें देखेंगे जिसके लिए हम थैंकफुल हैं गॉड को, तो हमको ऐसी 100 चीजें दिखाई देंगी। अगर हम हमेशा कमियां ही ढूंढते रहेंगे तो हमें कमियां ही दिखाई देंगी। तो इट इज बेटर यू लुक एट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट विद दिस विजुअल मीडियम, विद दिस सोशल मीडिया, आई एम एबल टू शेयर दिस मैसेज विद ऑल यू ब्यूटिफुल पीपल। आई एम थैंकफुल दैट आई हैव अ रूफ ओवर माई हेड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस बॉडी, फिजिकली आई एम एबल। आप देखिए, अगर आप अपने आप का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या आप कितने रिच हैं, आप सोचिए। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अपना कितना नुकसान करेंगे। यू हैव ब्यूटिफुल आईज, गॉड का गिफ्ट है ये। अगर मैं बोलूंगी इतने लाख रुपए दे रही हूं, क्या आप अपनी आई साइट हमेशा के लिए दे देंगे? नहीं, नो। सो वॉट एवर फिजिकल बॉडी, मेंटल हेल्थ, सोशल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग, दीज ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। अपने आप को जानिए, टेक अ जर्नी विद इन, इनसाइड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड क्रिएट अ सक्सेसफुल लाइफ। बी काइंड टू योर सेल्फ। हम बाकी सबके साथ काइंड होना सीखते हैं, बाकी सबके साथ हम अच्छा बात करना सीखते हैं, बट अपनी कमियां हमेशा निकालते हैं। डोंट डू दैट। वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, एंड इफ जेन्युइनली यू हैव सम वीकनेस, डोंट टेक इट नेगेटिव। Work positively on that and have a healthy and a blessed life. If you, as an individual, if you work on the oneness of yourself, you will be able to do better in your family, in your relationships, with money, with occupation. If you are an employer, if you are an employee, businessman, teacher, student, whatever you are, aapke har aspect mein aapko help karegi ye cheez. Please take good care of yourselves. Thank you once again to this platform. Thank you once again, Fizz Robotics. Thank you. I am a part of this special season 3. I'm really grateful for each one of you for watching my video. Thank you. Shabba Khair. See you. Innovation pays off.